कभी पहले नहीं बनी वीडियो। सारे लड़के पहुंच चुके हैं भाई, ठीक है ये अब आप लोगों की ब्लास्टिंग जो है ना शुरू हो रही है, ठीक है ये ब्लास्टिंग इनकी हो रही है। थोड़ा सा दूर रहें ट्रेंच से, थोड़ा सा दूर रहो बेटा, एक्सकेवेटेड जो जगह होती है उसका बड़ा मसला होता है, सही है, भुरभुरी मट्टी होती है इसके करीब। ये ब्लास्टिंग चल रही है, वो ब्लास्टर खड़े हैं आपके सामने, सही है ना, और वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, देखा है वो नोजल को जिस तरह घुमा रहे हैं और चेक करना। और ये उनके साथ इनके हेल्पर हैं ये ऊपर जो मौजूद हैं, जैसे ही नोजल में वो देखा कितनी स्पीड से रेत गुजर निकल रही है इससे ब्लास्टिंग से, और ये पाइप किस तरह साफ करता वो जा रहा है। जी हाँ वो देखा वो मट्टी टकरा टकरा के गिर रही है, देखा वो मट्टी, वो नोजल को किस तरह चला रहे हैं वो, और उन्होंने पीपीज देखी फुल पहनी हुई है, शूज़ वगैरह हो गए और आई प्रोटेक्शन हो गई इसमें। बहुत ही खतरनाक काम होता है ये, इंतहाई खतरनाक। और आओ ये आगे देख लो ये तो हॉपर है ना, ये हॉपर है, इसके अंदर ही रेत है सारी, ठीक है इसमें ही सारी रेत है, इन्होंने डाली है इसमें रेत, और उस कंप्रेसर के जरिए जो पाइप आ रहा है उस कंप्रेसर के जरिए, ये पाइप कंप्रेसर का, ये आओ तुम्हें कंप्रेसर दिखाऊं जरा ये कंप्रेसर है, ये इसकी सारे गेजेस जो है शो कर रही है कितना वाटर लेवल कितना है, प्रेशर कितना जा रहा है इस वक्त, प्रेशर कितना है जो आगे भेज रहे हैं, ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसीलिए खड़े हुए हैं, ये स्टैंड बाई मैन का ही काम कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई मसला होगा ये भी पीछे काम कर रहे हैं। क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसका टेम्परेचर शो कर रही है, ये जिधर ये टेम्परेचर शो कर रही है इसका, और ये एग्जॉस्ट एयर शो कर रही है क्योंकि एयर प्रेशर से जा रही है बाहर, ये वाली। और ये टेम्परेचर है वाला, वो भी प्रेशर शो कर रही है, ये लिखा हुआ है लिखा हुआ यूनिट उसका, वो एम्पियर शो करेगी लेकिन वो बंद है। चार्जिंग मीटर है, एम्पियर मीटर उसको कहते हैं, एम्पियर मीटर है वो, आवर मीटर है, ये रनिंग मीटर है वो, इसका टेम्परेचर मीटर है और वो प्रेशर गेज, ये एयर प्रेशर गेज, एयर प्रेशर ये आवर मीटर, मतलब भाई ये बता रहे हैं कि कितना घंटे चल गया, ऐसे ही है ना कितना घंटे चल चुके हैं, और एम्पियर मीटर क्या शो करेगा, चार्जिंग शो करेगा आपको खराबी होगी, ये एम्पियर मीटर आपका शो कर रहा है चार्जिंग स्पीड, ये चार्जिंग स्पीड कितनी है, आप भी तो मसला तो नहीं है कुछ, और ये पाइप आ रहा है, ये देखा है वेल्व खोला हुआ है इन्होंने, ये इसके जरिए एयर जा रही है, इस पाइप के जरिए वो उस हॉपर में जा रही है ये एयर, ये और इसका क्या काम है, ये दूसरा पाइप है और इसके अंदर वो जब बंद करते होंगे वो ब्लो आउट ड्रम भी होता होगा ना, जो अंदर हवा रह जाती है उसको टैंकी से निकालते होंगे बाहर निकालने की, ये सेफ्टी वॉल नीचे है, ये इसको खाली जरूरी करना होता है, धमाका मार रहे हैं, और कुछ दबाव हो दिमाग में ये घर खड़े हैं, ये तो जा रही है, तो इसकी जैसा क्या खत्म ही है, आप इधर अगर काम खत्म हो गया आप इधर से बाहर निकाल लें, उसमें स्मेल पैदा कर देता है, जहाँ लीकेज होगी वो स्मेल आएगी, जो आपके घरों में गैस लीक है वो गैस की आप कोई गैस की वो ऑटो रेड ऑयल होता है, जिनकी बड़ी वो अलग होता है, वो अलग है, एक एक कतरा रहता है वो उसकी साफ कर रहे हैं, जंग वगैरह होता है, सैंड ब्लास्टिंग होती है, एक स्लैग ब्लास्टिंग होती है, एक जो है शार्ट ब्लास्टिंग होती है, सैंड ब्लास्टिंग और स्लैग ये कंप्रेसर के साथ चलती है। अच्छा जो शार्ट ब्लास्टिंग है वो एक जगह प्लांट खड़ा होता है, वो उसके अंदर जो है ना लोहे के छोटे छोटे होते हैं वो मैकेनिकल वो पंखे के जरिए
समझ आ गया। सैंड ब्लास्टिंग ये आपके जो है ना, जिस तरह ये मसाम है जी, इसी तरह पैप के मसाम प्रोफाइल बनाने के लिए आप इसकी क्लीनिंग करके इसके मसाम बन जाते हैं। जो प्राइमर होता है इन मसामों में अंदर चला जाता है। जिस वक्त आपका पसीना आता है ना, मसामों से भी निकलता है। ये मैं आपको एक बड़े आसानी के साथ जो है ना समझा रहा हूँ। प्राइमर जो है ये पैप को पकड़ता है, क्लीनिंग हो जाए ना, प्रोफाइल बन जाए, प्राइमर पैप को पकड़ता है। उसके बाद जो है ना हम कोटिंग करते हैं, लुक जो है प्राइमर को पकड़ दिया। उसके बाद हम ये फाइबर चलाते हैं, सफ़ेद पेपर जो है ना पड़ा होगा वो, उसके बाद जो लुक को वो फाइबर कवर करता है। फिर हम तीसरी दफ़ा जो कोटिंग करते हैं लुक लगा कर थर्मोक्लास, यानी ये जो है ना पूरी कोटिंग कंप्लीट हो जाती है। उस कोटिंग यानी उस पैप की हिफाजत हो जाए, कम अज़ कम 40 से 50 साल उसकी सेफ्टी हो जाती है। अच्छा, अगर जिस जगह प्राइमर ना लगाओ, प्राइमर अगर ना लगाओ पैप को, वो हमारी कोटिंग बिल्कुल बेकार। प्राइमर लगाना जरूरी है। प्राइमर जो उसकी है क्या वजह है? प्राइमर नहीं होगा तो पैप का और आप उसमें ग्रिप नहीं होगा। प्राइमर ही जो है ना पैप के साथ ग्रिप करता है। तो ये अभी कितने साल बाद आपने ये सैंड ब्लास्ट? ये तकरीबन ये 1962 में जो पहले लाइन डाली गई। अच्छा, अब पहली बार सैंड ब्लास्ट से? पहली दफा। अच्छा, और पैप की हालत देख रहे हैं, बिल्कुल सही है पैप। और कोई और कटिंग करने का क्या तरीका है? अगर दरमियान में डैमेज हो गई, दरमियान में डैमेज हो गया, जो लैंड चल रही है उसकी कटिंग नहीं होती। पहले जो है ना उसको उस एरिए में दोनों तरफ से जो है ना बाल बांध करने पड़ते हैं। वो हाई पर हाई किस्म का काम है, कटिंग वगैरह जो है ना ये होती नहीं। ये पैप के सैंपल जाते हैं, चेक होता है लेबॉरेटरी में, हाँ भाई ये इसकी क्या कंडीशन है, आगे पीछे हमारे पास मीटर होते हैं, वो हम रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद जो है ना पैप की इस तरह कटिंग नहीं होती। इस दौरान आप लीकेज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे लीकेज वगैरह? इस दौरान सैंड ब्लास्टिंग में जिन पहले अगर लीकेज पहले है तो पहले पता चल जाती है, क्योंकि हमारे दोनों तरफ से प्रेशर होते हैं, वाले समझी उधर भी इधर भी, हाँ वाले उधर से हमें पता चलता है, इधर प्रेशर ये जा रहा है आगे ये है, तो लाजमी बात है कि हमें पता चल जाता है लीकेज है। ये इस काम के दौरान लीकेज नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है उसका, हमारा डेली का हर घंटे के बाद हमारा प्रेशर जा रहा है। ये वाल असेंबली कितना फासला है? ये तकरीबन 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है उस हिसाब से। और अगर उसको पाइप रिप्लेस करना पड़े एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक, जॉइंट लगता कैसे और जॉइंट निकलता कैसे? अब जॉइंट से आपने पाइप उतारना है, कैसे उतारे फिर वापस लाकर नया पाइप लगाना है तो लगे? वो पहले तो पूरी लाइन बंद करें। सही है, वो तो ठीक है, समझ आ चंडी बाद दोनों इलाके में गैस बंद करेंगे, फिर वो लेवल मशीन होती है सही, उसके साथ कटेंगे फिर लेवल बनाएंगे सही, दोनों जाएंगे तो फिर उतना पीस तैयार होकर आया सही। हाँ, बेल्डिंग का काम भी है इसमें? हाँ बेल्डिंग। तो ये एक ही पाइप लाइन इधर से जा रही है? नहीं, इधर से दो गुजर रही है। अगर आप ये